क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन पी थ्री इज टू, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्री, एन पी फोर, यानी कि ये रेशियो है एन पी फोर और ये इक्वल टू दिया हुआ है मेरा वन इज टू नाइन का, है ना, ये इक्वल टू है वन इज टू नाइन का। आई होप ये रेशियो आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको केवल सॉल्व करना है और यहां से जो है वो एन का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल फाइंड एन, एन का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, बस यही, इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा एन माइनस वन पी थ्री और रेशियो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डिवाइड, और कितने से, तो एन पी फोर से, और यहां भी रेशियो है तो इसका मतलब हो गया 1 बाई नाइन, हाँ ना। इसको एक बार हम लोग क्या कर लिए, सिंपल फॉर्म में इसको लिख लिए, ठीक है। अब इसको केवल सॉल्व करना है, बहुत इजी होगा। अब यहां से देखिए ये एन पी आर है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका होगा फैक्टोरियल अपॉन में, इसमें से इसको घटाएंगे तो एन माइनस वन और माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन, अब यहां लगाएंगे फॉर्मूला तो यहां भी होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल होगा ना, और यही इक्वल टू दिया गया है वन बाई नाइन, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला जाएगा, सॉरी नीचे, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर के साथ, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और अपॉन में यहां पे रह जाएगा एन, ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस होगा भी कितना बन जाएगा, एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये हो गया, और यहां हो गया n फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये रहा यहां इक्वल टू वन बाई नाइन। अब देखो यहां से n माइनस फोर फैक्टोरियल, n माइनस फोर फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, दोनों खत्म हो गया। तो यहां जो बच गया है वो n माइनस वन फैक्टोरियल बच गया है, यहां देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे में क्या बचा हुआ है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फाइव फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखते हैं, अरे बोलो हाँ, ठीक है। यहां तक आप लोग सब कोई जान रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम मैं कर देता हूं ना, कि इसकी जगह पर हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख दे, कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग करते भी थे पहले भी। तो बस वही काम करना है कि इन दोनों जगह, इन तीनों जगहों पर जैसे कि हम लोगों ने 3 फैक्टोरियल को यूज कर लिया, बस वही काम करना है कि एन, यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको एक घटा करके उसका फैक्टोरियल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 1/9। अब यहां से हम क्यों ऐसा किए, चूंकि n माइनस वन और n माइनस वन दोनों कट गया, दोनों फैक्टोरियल के फॉर्म में है, दोनों कट गया, यहां बच गया सर जी आपका 1/9 n, 1/n इक्वल टू यहां बच गया आपका 1/9। तो यहां से सिर्फ n का वैल्यू कितना आ गया, सिंपल सा बात है कि 9 आ गया, n का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 9 आ गया। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।